नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। इसमें रेल, रोड, एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें पशुपालन, उद्योग, स्पोर्ट्स, कौशल विकास, इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, आध्यात्म, पर्यटन, एलपीजी गैस, अनेक क्षेत्रों से जुड़े अनेक विध काम है। इससे बनारस समेत पूरे पूर्वांचल के लिए नौकरी के बहुत सारे नए अवसर बनेंगे। आज संत रविदास जी की जन्मस्थली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं इन सारी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी भी आए हैं। कल रात को मैं सड़क के रास्ते बाबतपुर से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस आया हूं। कुछ महीने पहले जब मैं बनारस आया था तो फुलवरिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करके गया था। बनारस में ये फ्लाईओवर कितना बड़ा वरदान बना है ये साफ दिखाई देता है। पहले अगर किसी को बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाना होता था तो लगभग 2-3 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। पहले मंडुवाड़ी पर जाम, फिर महमूरगंज पर जाम, कैंट पर जाम, चौका घाट पर जाम, नदेसर पर जाम, यानी जितना समय फ्लाइट से दिल्ली जाने में नहीं लगता था उससे ज्यादा फ्लाइट पकड़ने में लग जाता था। लेकिन एक फ्लाईओवर ने ये समय आधा कर दिया है। और कल रात को मैं खास वहां जाकर के हर चीज को देख के आया हूं, उसकी व्यवस्था को समझ करके आया हूं। पैदल चल करके जाकर के रात देर गया था। ऐसे ही बीते 10 साल में बनारस के विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। अभी थोड़ी देर पहले यहां शीघ्रा स्टेडियम के पहले चरण के काम का लोकार्पण भी किया गया है। बनारस के युवा खिलाड़ियों के लिए आधुनिक शूटिंग रेंज का भी लोकार्पण किया गया है। इनसे बनारस और इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यहां आने से पहले मैं बनास डेयरी के प्लांट में गया था। वहां मेरी अनेक पशुपालक बहनों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। किसान परिवारों की इन बहनों को 2-3 साल पहले हमने स्वदेशी नस्ल की गीर गाय दी थी। मकसद यह था कि पूर्वांचल में बेहतर नस्ली
स्वदेशी गायों को लेकर जानकारी और बढ़े, किसान को, पशुपालकों को इससे फायदा हो। मुझे बताया गया है कि आज यहां गीर गायों की संख्या लगभग 350 के करीब तक पहुंच चुकी है। संवाद के दौरान हमारी बहनों ने मुझे ये भी बताया कि पहले जहां सामान्य गाय से 5 लीटर दूध मिलता था, अब गीर गाय 15 लीटर तक दूध देती है। मुझे ये भी बताया गया, एक परिवार में तो ऐसा संभाला है कि एक गाय तो 20 लीटर तक दूध देने लग गई है। इससे इन बहनों को हर महीने हजारों रुपयों की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसके कारण हमारी ये बहनें, वे भी लखपति दीदी भी बन रही है। और ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 10 करोड़ बहनों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है। और इसलिए तो लोग कहते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है। अभी बनास डेयरी वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, रायबरेली इन जिलों के पशुपालकों से लगभग 2 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। इस प्लांट के चालू होने से अब बलिया, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर और दूसरे जिलों के लाखों पशुपालकों को भी लाभ होगा। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडियां बनेगी। पशुपालकों का ज्यादा दूध ज्यादा कीमत पर बिकेगा तो हर किसान पशुपालक परिवार को ज्यादा कमाई होना तय है। ये प्लांट किसानों, पशुपालकों को बेहतर पशुओं की नस्ल और बेहतर चारे को लेकर भी जागरूक करेगा, प्रशिक्षित करेगा। साथियों, इतना ही नहीं, ये बनास काशी संकुल रोजगार के भी हजारों नए अवसर बनाएगा, अलग अलग कामों में रोजगार बनाएगा। एक अनुमान है कि इस संकुल से पूरे इलाके में 3 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी। यहां दूध के अलावा छाछ, दही, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर और अनेक प्रकार की स्थानीय मिठाइयां बनेगी। इतना कुछ बनेगा तो इन्हें बेचने वालों को भी तो रोजगार मिलने वाला है। यह प्लांट बनारस की प्रसिद्ध मिठाइयों को
देश के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दूध के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कारोबार में भी अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पशु आहार से जुड़े दुकानदार, स्थानीय वितरकों का भी दायरा बढ़ेगा, इसमें भी अनेक रोजगार बनेंगे। साथियों, इन प्रयासों के बीच मेरा बनास डेयरी के कामकाज से जुड़े वरिष्ठ साथियों से भी एक आग्रह है। मैं चाहूंगा कि आप दूध का पैसा सीधे बहनों के अकाउंट में डिजिटल तरीके से भेजिए, किसी पुरुष के हाथ में पैसे मत देना। मेरा अनुभव है इसके बहुत ही शानदार परिणाम आते हैं। पशुपालन तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक। तो पीएम मोदी को आप यहां पर सुन रहे हैं जो काशी में मौजूद हैं, और आज कई सारी सौगातें भी जो है दी गई हैं काशी को उनकी तरफ से। यहां पर कई परियोजनाएं हैं, विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उन्होंने किया है, और 13,000 करोड़ के अधिक की ये सौगात काशी को मिली है। उसके साथ ही दूध व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा में पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं।